पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को फटकार लगाते हुए ढुलमुल नीति की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक रोकने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीए स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, एनडीए को आगे ध्यान रखना चाहिए। तो नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि गड़बड़ी बहुत छोटे स्तर पर हुई, इसका रिजल्ट पर कोई असर नहीं हुआ। और आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी दलों की क्या है राय। मैंने कहा नीट यूजी पर जो फैसला आया है उससे तो एक बात स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार, भारत के शिक्षा मंत्री ये जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पर्चा लीक हुआ है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उससे भी तो सवाल उठता ही है। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के भविष्य देखते हुए पूरे एनटीए को इस बार नीट का एग्जाम रिकंडक्ट करना चाहिए। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही निर्णय किया जिस निर्णय को इस निर्णय स्वागत योग्य है, और इस निर्णय के विषय में तो हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो आंशिक रूप से पटना और हजारीबाग में गड़बड़ी हुई है इनको चुन चुन कर पनिश किया जाएगा। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि एनटीए में बदलाव होना चाहिए और सरकार को यह तय करना चाहिए कि आगे से ऐसी स्थिति ना हो। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिर से निष्कर्ष सुना दिया है। सीजेआई ने साफ कहा है कि परीक्षा की दोबारा मांग को मैं खारिज करता हूं। ऐसे में छात्र छात्राएं क्या सोचते हैं इस बाबत हम पहुंचे हैं पटना के गोल्ड सेंटर पर, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था और बड़ी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ फैसला आएगा। क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष सुना दिया है, वो भी सीजेआई ने कह दिया है कि व्यापक स्तर पर लीक नहीं हुआ। मैं तो इस डिसीजन से बहुत ही नाखुश हूं, क्योंकि इस बार नीट का एग्जाम दिया था और अभी सिलेक्शन 650 पर भी नहीं हो रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो क्या गारंटी है कि अगले साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या 650 पर अगली बार कॉलेज मिल ही जाएगा? और तैयारी तो कर रहे हैं पर इस चीज की अनसर्टेनिटी तो है ना, किस बात का मोटिवेशन लाए अपने अंदर। लेकिन एक उम्मीद होगी कि अब एनटीए की जो प्रक्रिया है उसमें भले बदलाव ना हो लेकिन जो सिस्टम है उसमें सुधार हो। हाँ, हम चाहते हैं कि ये बहुत ही पारदर्शिता तरीके से ये अगला एग्जाम लिया जाए, क्योंकि उम्मीद है ना कि हमें अगला एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा दिन रात इसमें दे रहे हैं, तो अगर इसी में पारदर्शिता नहीं रही, हमारे साथ ही ऐसे धोखा होगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे अच्छे से एग्जाम। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया है बट हमें इस बात की अभी तक बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि अगले बार पता नहीं एग्जाम में कहीं चीटिंग ना हो, कहीं लीक ना हो, ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है कि श्योर श्योरिटी आ ही नहीं सकती। यहाँ के शिक्षक भी हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है कि दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज करता हूँ? सर, एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है और उन्होंने जिन भी तथ्यों को ध्यान में रखकर यह आदेश दिया है हम लोग उनको मानते हैं। और एक देखा जाता है कि हर साल अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 साल के कट ऑफ में तो 1000-1500 नंबर्स रैंक में वेरिएशन होता था, ज्यादा से ज्यादा 3000 रैंक तक देखा गया है, लेकिन 30,000 रैंक का वेरिएशन ये बिना किसी गड़बड़ी के संभव नहीं है। जो छात्राएं हैं या छात्र हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें एनटीए पर अब जरा भी भरोसा नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एससी एसटी के कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे पाएंगी। अदालत ने 20 साल पुराने अपने ही फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही है। इस फैसले के बाद अब एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके उन्हें अधिकार देने के लिए राज्य सरकार अधिकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने की असली वजह जो है वो समानता हासिल करना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी आर गवई ने अलग से अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्यों को एससी एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए।
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसका स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और बिहार को बताया इसका मॉडल स्टेट, महिलाओं को आरक्षण सबसे पहले बिहार में मिला। ईडब्ल्यूएस के लिए बिहार में सबसे पहले कोटा हुआ और अति पिछड़ा और महादलित का भी कोटा बिहार में सबसे पहले तय हुआ था। केसी त्यागी ने मांग की है जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो और बिहार की तर्ज पर पूरे देश में अति पिछड़ों को लाभ मिले। कोर्ट के फैसले का समर्थन करता हूं। बिहार इसका मॉडल राज्य है। 1978 में श्री कर्पूरी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के आरक्षण में कोटा विद इन कोटा लागू किया था, मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू करके। उसी तर्ज पर नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों के लिए और फिर बाद में दलितों के वर्गीकरण के तौर पर महादलित आयोग बना करके रास्ता साफ किया था। बिहार इस मामले में सारे देश के लिए एक मॉडल स्टेट है जहां पर महिलाओं का आरक्षण भी सबसे पहले हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में सबसे पहले महिलाओं का किया। उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका कोटा भी पहली बार बिहार में तय हुआ था। पिछड़ों का कोटा भी, अति पिछड़ों का कोटा भी तय हुआ था और अब महादलित और दलित का जो भेदभाव है उसको भी वहां पर उजागर करने का काम नीतीश कुमार ने किया था। पीठ ने बहुमत के आधार पर एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर को निर्धारित करने की बात कही है। इस पूरे न्यायिक आदेश का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। राज्यों को भी उसने शर्तों के साथ बांधा है, तो अब जब तक न्यायिक फैसले का अवलोकन नहीं करे तब तक राज्य सरकार इस दिशा में सार्थक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तमाम तथ्यों का जब तक के जानकारी नहीं लिया जाएगा तब तक इस पर राजनैतिक प्रतिक्रिया दिया जा सकता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के विभिन्न शर्तों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो क्या अब आने वाले समय में क्या माझी जी के पोते को नहीं मिलेगा आरक्षण? तो यह एक सवाल है। यह हो सकता है कि हम खुद आरक्षण नहीं लें या आरक्षण की आवश्यकता हमको नहीं हो, लेकिन एसटी एससी में क्रीमी लेयर, मुझको लगता है कि इस पर सभी पार्टी के नेताओं को विचार करके ही कोई कदम उठाना चाहिए और जरूरत हो तो अध्यादेश भी लाना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से, जब तक कि फुल फ्लेजेड हम पूरी तरह से उस, क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर लें, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जब तक जाति आधारित गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। और बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया कि मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग में है, छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, ईडी का खुली बाहों से मैं इंतजार कर रहा हूं। संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के वजह से ईडी की तरफ से रेड की यह तैयारी है। राहुल गांधी के दावे पर सियासत गर्म है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का रवैया संवैधानिक नहीं है। राहुल गांधी की आशंका सही है तो गिरिराज सिंह ने राहुल पर झूठ की खेती का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद सिग्रीवाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा अगर उन्होंने गलत किया होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। तीन बार उनका एक ही लक्ष्य था कि हम तीन बार के प्रधानमंत्री की गिनती में, श्रृंखला में हम आ जाए। उसके बाद इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के
अब बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है, संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया, ये भ्रम मत फैलाएं। ईडी छापा मारने के वो लोकसभा में बयान की वजह से नहीं, आपने गलत किया होगा, आप भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो ईडी या चाहे सीबीआई चाहे जो स्वतंत्र ऐसी जांच संस्थाएं वो करेगी। आप अगर दूध के धोए होंगे तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बयान और उसमें भाषण देने से उसको क्या अंतर पड़ता है? पहले से भी आपका अगर कहीं ना कहीं से और घाव बना होगा, पहले ना कहीं से भ्रष्टाचार में संलिप्तता होगी, तो ईडी खोजेगी तो उसमें अगर पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई करेगी। और राहुल गांधी पर शहनवाज हुसैन की तरफ से भी वार किया गया, राहुल गांधी को आखिर डर क्यों लगता है? अगर कोई गड़बड़ी नहीं की है तो डर लगने की जरूरत नहीं है, विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे राहुल गांधी। खबरों में रहना चाहते हैं, वो पूरी तरह पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपने महत्व को बढ़ा लेना चाहते हैं। अरे विपक्ष के नेता बन गए हैं, थोड़ा जिम्मेदारी से बयान दीजिए। पहले जो आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते थे वो अलग बात थी, आप सिर्फ सांसद थे, अब आप एक संवैधानिक पद पे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करना कि ईडी रेड कर सकती है, कोई गलती की है क्या आपने जो ईडी का डर सता रहा है? ईडी तो कहीं भी जा सकती है, जहां कुछ भी गलत होगा वहां ईडी जाएगी और किसी की यहां भी जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी को क्यों डर लग रहा है? क्या अपने अंदर क्या कमी तलाश लिया है कि ईडी आ सकती है? तो राहुल गांधी के दावे पर केसी त्यागी ने कहा है राहुल के पास जानकारी होगी, राहुल के पास अवैध संपत्ति होगी। राजनीतिक बदले की कार्रवाई पर केसी त्यागी ने कहा हम लोग तो खुद राजनीतिक बदले का शिकार रहे हैं। जयप्रकाश को रात में सोने के लिए सरकारी गृह भी उपलब्ध नहीं होते थे, जयप्रकाश नारायण के लिए फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती थी। राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से रेड हो सकता है, इस तरह की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? अब उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स होंगे या कोई और सूचना होगी, हमें इसकी विस्तार में जानकारी नहीं। एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की बात लगातार उनकी तरफ से कही जाती रही है, कांग्रेस के नेताओं से कही जाती रही है, उसी संदर्भ में इस बयान को देखा जा रहा है। हम तो 50 साल तक खुद ही कांग्रेस पार्टी पर पॉलिटिकल वेंडेटा के आरोप लगाते रहे। हमें याद है कि हमारे नेताओं को, जयप्रकाश नारायण को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, कई बार रात को सोने के लिए सरकारी जो विश्राम गृह हैं, डाक बंगले, वो तक उपलब्ध नहीं होते थे। जयप्रकाश नारायण की कलकत्ता से जो आने वाली फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, वो तक कैंसिल हो जाती थी। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव का केंद्र पर जोरदार हमला देखने को मिला है। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह हमला तेजस्वी यादव की तरफ से, उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे में मांग अगर पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, हम लोग सड़क पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया।
फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर। और तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान, नीतीश कुमार को केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए, केंद्र बात नहीं माने तो सरकार गिरा देनी चाहिए, नीतीश कुमार को सरकार गिरा देना चाहिए, ये बातें तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो तेजस्वी के बयान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया तो जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर इस बयान को लेकर जोरदार हमला किया। लंबे कालखंड के बाद, चुनावी हार के सदमे से निकलने के बाद आज प्रकट हुए और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय, पारिवारिक आरक्षण के आप पक्षधर रहे हैं। राज्य सरकार ने तार्किक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीति की दिमागी उपस्था जाति सर्वे सर्वदलीय सहमति बनाई। आप उस समय विपक्ष की भूमिका में थे, आज भी विपक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति की कार्यशैली वह क्या करेंगे, तेजस्वी यादव जी आपके सलाह की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी ये बताएंगे कि बिहार में जब जाति के नाम पर हो रहे नरसंहार में हजारों की संख्या में दलितों को मारा गया, वो किस अनुसूची के तहत मारा गया? हजारों की संख्या में जब भूमिहार जाति के लोगों का सर कलम कर दिया गया, किस अनुसूची के तहत करवाया इनके पिताजी ने, जरा बता दे। आज बड़ी चिंता हो रही है इनको आरक्षण की। इनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार के हजारों वैश्य परिवारों को, जो ईबीसी से आते हैं, बिहार छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उनकी दुकानों में बम फेंक दिया जाता था, उनके बेटों के का अपहरण किया जाता था। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से बात करते और 9वें अनुसूची में डालने की बात करते। अगर प्रधानमंत्री इनकार करते तो इनके पास ऑप्शन था नरेंद्र मोदी को छोड़ने का, लेकिन किस डर के तहत नीतीश कुमार जी आरक्षण की दायरा बढ़ाने संबंधी 9वें अनुसूची में डालने पर प्रधानमंत्री से नहीं बात कर पा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, आईएएस सजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप में एक्शन हुआ है, गुलाब यादव भी आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने गायत्री यादव को बुलाया है और ईडी कार्यालय गायत्री यादव पहुंची हैं। ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। गायत्री यादव ने आरोप लगाया है पूर्व विधायक गुलाब यादव पर, यह आरोप है। आईएएस संजीव हंस पर आरोप है, शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। 2022 में रूपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो गायत्री और अमित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आज ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, क्या बात चल रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए गायत्री यादव जो है आज से 2 साल पहले ये गंभीर आरोप लगाए थे, गुलाब यादव और संजीव हंस दोनों पे संयुक्त रूप से ये आरोप लगाया था कि शादी का झांसा दिया गया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, और जब वो शादी करने के लिए कही तो उन्हें जो है मना कर दिया गया। और इसी बात की शिकायत, लिखित शिकायत जो है गायत्री यादव ने 2 वर्ष पहले पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी पूरे तथ्यों को रखा था, पूरी बातचीत जो टेलीफोन जो रिकॉर्डिंग थी और जो अन्य प्रमाण थे उसको रखा था, और तब से ये मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि इस मामले में ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसके तहत मुकदमा लेते हुए अनुसंधान शुरू की, और इसमें जो बाकी बातें हैं उसे जानने के लिए गायत्री यादव को आज ईडी का कार्यालय जो है ईडी के अधिकारियों ने बुलाया। ईडी अधिकारियों के बुलावे पे ईडी कार्यालय जो है वो गायत्री यादव पहुंची है, अपने साथ उस बेटे को लेकर के भी पहुंची है जिसके बारे में उन्होंने ये दावा किया है कि ये गुलाब यादव का संतान है। तो फिलहाल ये अलग मामला है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कई अहम बातें
जो गायत्री यादव ने पूर्व में कही है, उन्हीं बातों को पड़ताल करने के लिए, उन्हीं बातों की तह तक जाने के लिए ईडी के अधिकारियों ने गायत्री यादव को तलब किया है ईडी कार्यालय और वहां पहुंची है। जो जानकारी मिल रही है ईडी के सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक 6 से 7 घंटे जो है ये पूछताछ की अवधि हो सकती है। लगा तकरीबन 6 बजे के बाद ही गायत्री यादव जो है वो ईडी कार्यालय से बाहर आ सकती है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, पूरे कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस में दिख रही थी, जब हम गायत्री यादव से पूछे कि आपको बुलाया गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाया गया और बुलावे पे हम आए हैं, अपनी बातों को हम रखेंगे, जो भी सवाल होंगे ईडी के अधिकारियों के उसका जवाब हम एक एक करके देंगे और जब मैं निकलूंगी तो आपसे बात करूंगी। तो जाहिर सी बात है कि गायत्री यादव जो है आज भी अपनी बातों पर अडिग हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो ईडी कार्यालय पहुंची है, तमाम तथ्यों को लेकर के पहुंची है कि कैसे उनका उत्पीड़न किया गया और क्या जो आरोप उन्होंने लगाया कि काफी अकुत संपत्ति इन लोगों ने अर्जित कर रखा है और उसका झांसा देकर करके उन्हें खरीदने की भी कोशिश की थी, तो तमाम बातों का जवाब जो है वो ईडी के समक्ष गायत्री यादव रखेंगी। तो जाहिर सी बात है इससे पहले भी बताते चले विवेक कि ईडी के अधिकारी जो है वो सुनील सिन्हा को तलब किया था लगभग 10 दिन पहले और उनसे भी जो जानकारी मिली है उनसे जुड़े जुड़े जवाब मिले थे। उनका सवाल और इनके सवाल दोनों को लेकर के गायत्री यादव से जो है जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। वहीं कुशीनगर में शिव भक्तों पर हमला किया गया है। शिव भक्तों पर अराजक तत्वों की तरफ से हमला किया गया है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर शिव भक्त जा रही थी जिस दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। महाराजगंज के इटहिया मंदिर ये शिव भक्त जा रहे थे खड्डा थाने के सिसवा गोपाल के पास, मारपीट की जाती है। पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का